पथरी के दो ऑपरेशन के बाद हुई दो लोगों की मौत। दोनों परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है दोनों मरीजों की मौत। ग्रेटर कैलाश रिहायशी इलाके में चल रहा है प्राइवेट मेडिकल सेंटर, जहां पर एक ही दिन में दो मरीजों की मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद पुलिस ने जांच कमेटी गठित कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। महज पथरी के ऑपरेशन के बाद हुई एक ही दिन में दो मरीजों की मौत। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ढिलाई के चलते दोनों मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और दोनों शवों को एम्स व सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टर्स की एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर एक ही दिन में दो मरीजों की कैसे मौत हो गई। यह ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर, जहां पर सिर्फ 15 बेड हैं। बीते 19 सितंबर को इस अस्पताल में 27 वर्षीय किरण और 45 वर्षीय असगर अली का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही दोनों मरीजों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद दोनों मृतकों के परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और तुरंत सबको एम्स व सफदरजंग मोर्चरी में भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर एक जांच की टीम गठित कर दी है। एक ही दिन में हुई दो मौत के बाद उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एम्स और दूसरे शव को सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। तीन डॉक्टरों की जांच कमेटी गठित करवा दी गई है। साथ ही इस मामले पर डीसीपी साउथ में लिखित रूप से मामले की तफ्तीश के विषय में मीडिया को भी बताया गया है। पथरी के ऑपरेशन के बाद एक ही दिन में दो मरीजों की मौत के बाद ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इस मामले को लेकर जब हमारी मुलाकात अस्पताल के मालिक नीरज अग्रवाल से हुई तो उन्होंने मीडिया से बात करने को बिल्कुल मना कर दिया, अस्पताल से निकलकर बाहर चले गए। अब देखना यह होगा कि आखिर जांच के बाद क्या मामला सामने आता है। भाई क्या नाम है आपका? विजय। विजय क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ और कौन सा हॉस्पिटल है? अग्रवाल मेडिकल सेंटर। हाँ। मैं वहाँ पर उसका ऑपरेशन करवाने लगा था, मेरी सास लेके गई हुई थी। अच्छा। मैं गया था 2 बजे 2:30 बजे, उन्होंने बोला कि 5 बजे ऑपरेशन हो जाएगा, फिर बोले 5 बजे तो लेके नहीं गए, वो गए 6:20 पर अंदर लेके गए, फिर उसको लेके आए बाद में और 10-15 मिनट बाद में ऑपरेशन करके, तो उससे बोला कि मैंने बोला कि ठीक है, वो बोल रही हाँ अभी तो ठीक हूँ, बस उतना मेरे से नहीं बोला, मेरी सास से बोला उसने और मेरी मम्मी थी तो उन्होंने बात करी बस। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसके हाथ पैर टाइट वाइट होने लगे, टाइट होने के बाद में उसको यूँ बोल रहे कि दौरे पड़ रहे हैं, मेरी सास बोल रही कि इसको देख तो लो एक बार क्या हो गया, इसकी आँखें घूम रही है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं ये घर वालों को आपको देख के ड्रामे कर रही है, आप एक काम करो बाहर जाओ, उन्होंने बाहर भेज दिया और आधे घंटे तक उससे उसके दवाई ववाई लगा रहे, कोई इंजेक्शन लगा रहे, कभी क्या कर रहे हैं उसको, ग्लूकोज कुछ नहीं, बस ऐसे ही दवाई ववाई डाल रहे थे उसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर और चढ़ा रहे, उसकी सुई हुई में सुई थी यहाँ पर हाथ पे, उसी में दवाई ववाई लगा रहे थे, और फिर उसको हम बोले ना कि इसको हम एक काम करो आप इसको छोड़ दो, हम रेफ़र करवा दो, हम सब जगह ले जाएंगे, ओला उबर बुक कर रहे हैं अभी ले जाते हैं हम इसको, तो बोल रहे नहीं अभी 10 मिनट में ठीक हो जाएगी, 15 मिनट में ठीक हो जाएगी, ऐसे करते करते मेरी वाइफ की डेथ कर दी। कब डेथ हुई है? ये हुई है सोमवार को। अच्छा। 19 तारीख। आज आप लोग मॉर्चरी पे हैं पोस्टमार्टम के लिए, है ना, क्या कहेंगे किस तरीके से डेथ हुई है? डॉक्टर के लापरवाही से हुई है सर। अच्छा। हम चाहते हैं इंसाफ मिले। अच्छा, और उसके बाद आप मॉर्चरी में हैं, आपके पास किसी का फोन आ रहा है? घर वालों का सबका फोन आ रहा है और उसके वो डॉक्टर मेरे को यूँ बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस को कॉल किया? पुलिस को कॉल कर रखा है, पुलिस से कंप्लेंट होगी, पुलिस वाले यहाँ पर लेके आए, जब भी वहाँ पे बोल रहे और थाने में गया मैं वहाँ बैठा था, जब भी मुझे बोल रहे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। कौन बोल रहे? वो नीरज अग्रवाल की वाइफ। अच्छा। और उनकी वाइफ थी पता नहीं कौन था, और 2-3 और थी लेडीज। अच्छा, क्या मानते हैं एक गरीब परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन कराते हैं और उसके बाद डेथ हो जाते हैं? और हमसे पेमेंट भी पहले सर उसने 13,000 बताए थे, 13,000 में ऑपरेशन करा, फिर यूँ बोल रहे कि पैसे और लगेंगे, ये जो वो निकले ना इसकी पिट की थैली, इसका टेस्ट वेस्ट होगा तो पैसे और ले लें मेरे से। अभी तक कितना पैसा लिया? 15,000 रुपये। अच्छा, आप मानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है? हाँ जी,
और उन्हें जब मेरे से जब आधे घंटे बाद में मेरे से बोल रहे कि इसके कोई दवाई ववाई चल रही थी उसके पहले, मैं बोला सर ये बताओ आपको पूछना चाहिए पहले जब ये आई थी आपका टेस्ट करवाने देखवाने, जब पूछना चाहिए था ना, आप बाद में बता रहे हो। और जिस टाइम पे मेरी वाइफ बिल्कुल ही लास्ट मोड पर थी जिस टाइम पे बोल रहे इसकी कोई दवाई ववाई खाती थी, मैंने बोला ये टीबी की दवाई थी खाती थी ये, पर अभी नहीं, उससे दो तीन महीने पहले बंद हो चुकी इसकी दवाई। क्या नाम है आपकी पत्नी का? किरण। अच्छा कितने साल की? 26। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा आप कौन है? मैं उनका हस्बैंड। क्या नाम है? विजय। कहाँ रहते हैं? महिपालपुर अर्जुन के। अपने कागज वाले कागज। महिपालपुर से आप जीके आए? हाँ जी। क्यों, किसके रेफरेंस से? ये किसी ने बताया था उसको, मेरी वाइफ को, मेरे को पता नहीं, वो गांव गई हुई थी, गांव से डायरेक्ट मेरे ससुराल से यहीं आई थी पिछले सोमवार को, ये 19 तारीख से 12 तारीख को सोमवार था, उस दिन आए पूछ के गई और उन्हें पेपर वेपर कुछ नहीं मांगे, खाली अल्ट्रासाउंड देगा और ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद में हमने बोला ना कि ये पेपर वेपर दे दो इसके क्या लगी है क्या नहीं लगी, कुछ भी नहीं दिया सर उन्होंने, कुछ नहीं दिया हमें पेपर वेपर, कुछ नहीं दिया, फिर लास्ट में हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया बस उसके लिए। ये जिसकी मृत्यु हुई है किरण की, ये मेरी साली है, और जब मेरे को पता चला कि ऐसे से बात हो चुकी है, ये हादसा हुआ है, मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने बॉडी को बाहर ऐसे ही डाल रखा था। जब मैंने बॉडी का कपड़ा हटाया तो देखा सूट और सलवार में वो मरीज पड़ा हुआ। मैंने इनसे पूछा डॉक्टर से, मैं डॉक्टर साहब इसको बाहर क्यों निकाला, किरण की मृत्यु हो चुकी है। मैं कैसे मृत्यु हुई है, लापरवाही आपकी लापरवाही? बोले जी हमारी कोई लापरवाही नहीं है, मगर लापरवाही मैं बताता हूँ आपको, जब मेरे छोटे भाई से बात हुई तो उन्होंने बोला अभी ये देख रहे हैं, तो मैंने छोटे भाई से बोला कि भाई इस एक काम करो अभी टाइम है, इनको एम्स या सफदरजंग में रेफ़र करवा लो, इनकी बस की नहीं है, इनका मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो करवा लो। उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करते 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 अपनी लापरवाही से डॉक्टरों ने उल्टे सुलटे इंजेक्शन लगाए, कैसे भी की मृत्यु कर दी। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की लापरवाही से ये काम हुआ है। मेरा भाई है, गरीब परिवार है, ये बेलदारी करता, तसला ढोती है, जो मृत्यु हुई है वो भी तसला ढोती है। 15,000 रुपये में हमने ऑपरेशन कराया प्राइवेट में, इनके पास 15,000 ले लिए इन्होंने पहले ही से ही, उसके बाद मृत्यु घोषित कर दिया। अगर हम गरीब आदमी हम चाहते तो सरकारी में भी जाते, मन हमने सोचा कुछ सुविधा मिलेगी, इनकी लापरवाही इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टरों से जब मैं कल थाने के पास बैठा हुआ था तो डॉक्टरों ने बोला, वो आए हमारे पास, बोला जी कॉम्प्रोमाइज कर लो, देख लो जैसे भी है, हमारी कोई लापरवाही नहीं है। मैंने बोला जी लापरवाही है जब तो आप बोल रहे हो हमें कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपकी अगर कोई लापरवाही नहीं होती तो बोलते ही नहीं कॉम्प्रोमाइज के लिए, इतनी तगड़ी ने लापरवाही करी है जी। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, अब ये कहाँ जाएँ, ये बेघर हो चुके हैं बच्चे, पुलिस वाले से बोलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं अभी करेंगे। 3 दिन हो गए हैं बॉडी को, यहाँ परसों डेथ हुई थी, कल का दिन पूरा निकल चुका है, हम पूरे ये बैठे हैं, हमारे भाई बहन जो भी हमारे रिश्तेदार हम यहाँ पे हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे, हमारे घर में चूल्हा चक्की कुछ नहीं चल रहा है, हम पे बहुत बुरी हालत से गुजर गए इस टाइम, और कोई सुनवाई नहीं है। सर एक बॉडी आई है ग्रेटर कैलाश से, सर्जरी हो रही थी, लापरवाही का मामला है, किरण, तो सर किस तरीके से है बॉडी आई है 2 दिन पहले, किस तरीके से उसका पोस्टमार्टम होगा? इसके लिए अभी हमें अभी तुरंत रिक्वेस्ट मिला है जी दिल्ली पुलिस की तरफ से जी, DCP फॉरवर्डेड लेटर है दिल्ली सरकार को, GNCT मेडिकल बोर्ड बनाती है जी, तो उनका अभी कागज मिला है, हमने 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बना दिया है और ऑटोप्सी करने के लिए बोल दिया है, अभी आधे घंटे में ऑटोप्सी शुरू हो जाएगी और 1 घंटे में खत्म हो जाएगी ऑटोप्सी। अच्छा सर, जो 3 डॉक्टर हैं तो इसका रिपोर्ट कब तक आएगा सर? इसका रिपोर्ट देखना पड़ेगा, कोई लेबोरेटरिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है या नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन होता है, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल बोर्ड ही ये बता पाएगा कि कब वो रिपोर्ट देंगे। अगर सर रिपोर्ट में नेगलिजेंसी का मामला आता है फिर उसको आप लोग कहाँ फॉरवर्ड करेंगे? वो पुलिस ले जाती है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। अच्छा, क्या आप लोग भी भेजते हैं दिल्ली सरकार को या एम्स के तरफ से या दिल्ली? नहीं, हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट पे ही पोस्टमार्टम करते हैं, और ये प्रॉपर्टी पुलिस की होती है, दिस डॉक्यूमेंट्स आर ओन्ड बाय पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो उनको ही रिपोर्ट हम देंगे। ठीक है सर, थैंक यू।